हेलो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज में हम लोग स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर के प्रोग्राम्स को एक्सटेंड करेंगे। और मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है और उस स्टूडेंट के डेटा से हमें रिजल्ट जनरेट करना है। तो यूजुअली रिजल्ट में नेम और रोल नंबर एंड देन मार्क्स होते हैं, एंड देन उसके बाद टोटल और परसेंटेज होता है। और हम अगर चाहें तो इसी को एक्सटेंड करते हुए नंबर ऑफ कैरी ओवर पेपर्स भी यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इनिशियली हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारा नेम होगा, तो स्टूडेंट का जो नेम होगा वो कैरेक्टर टाइप का होगा, कैरेक्टर एरे होगा जिसको हम लेट्स से 20 साइज का कह रहे हैं। एंड देन उसके बाद उसका रोल नंबर होगा, और रोल नंबर जो है हमारा इंटीजर टाइप का है। देन इसके बाद मार्क्स हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे। तो आप या तो M1, M2, M3, M4 और M5 नाम से 5 सब्जेक्ट्स ले लें, या फिर आप एक एरे भी क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल हमने माना है कि हमने 5 सब्जेक्ट्स के नंबर M1, M2, M3, M4 और M5 वेरिएबल में एक्सेप्ट कराएंगे। इसके बाद मेन लिख लेते हैं और मेन में यूजर का डेटा इनपुट कराएंगे। और अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं कि दे विल बी 5 स्टूडेंट्स, सो एन इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स जिसका हमें डेटा एंट्री कराना है। एक आई ले लेते हैं जो कि लूप के काउंटर की तरह से वर्क करेगा। फिर इसके बाद हम यूजर से कहते हैं कि वो एंटर करे अपना डेटा या 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंटर करे, उसका नाम, रोल नंबर और मार्क्स एंटर करे। सो हम यहाँ पे कह देते हैं फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस। एंड देन उसके बाद हमें यूजर से कहना है कि प्रिंट एफ एंटर दी नेम, रोल नंबर, मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। फाइन, तो हमने यूजर से, यूजर जो भी एंटर करेगा उसको स्कैनर के थ्रू एक्सेप्ट करा लेते हैं। सबसे पहले नेम एंट्री कराएंगे, तो नेम हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा। फिर इसके बाद हम एंट्री कराएंगे रोल नंबर जो कि इंटीजर टाइप का होगा। फिर हम मार्क्स एंटर कराएंगे और 5 मार्क्स हमें एंट्री कराना है, तो हमें 5% LD लिखना होगा। एंड देन उसके बाद फिर हम इनको स्पेसिफाई करते हैं। सबसे पहले हमें एरे ऑफ स्ट्रक्चर एक लेना पड़ेगा, तो हमने यहाँ मेंशन किया है, इसका नाम चेंज कर देते हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट कर देते हैं। और यहाँ पे भी स्ट्रक्ट स्टूडेंट का एक एस वेरिएबल ले लेते हैं जिसकी साइज 5 है। तो ये एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। तो हमें एंट्री कराना है सबसे पहले नेम का, तो हम यहाँ कहेंगे si.name, एंड देन उसके बाद si.roll number, एंड देन उसके बाद 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंट्री कराना है। तो हम 5 सब्जेक्ट्स का मार्क्स एंट्री कराने के लिए si.m1, और इसी तरह से si.m2, m3, m4 एंड m5 कॉपी पेस्ट का यूज करते हैं हम लोग। सो si.m1, si.m2, si.m3, si.m4 और si.m5। तो इस तरह से हमने ये लिख लिया, लेकिन हमने एम्परसेंड नहीं लगाया। तो जहाँ जहाँ इंटीजर वैल्यूज को इनपुट कराना है वहाँ वहाँ हम एम्परसेंड लगा देते हैं, और स्ट्रिंग जहाँ पे एंट्री हमें कराना है वहाँ पे एम्परसेंड नहीं लगाएंगे। तो इनपुट मेरा हो गया है, अब इनपुट के बाद हमें डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए हमने एक रिजल्ट का फॉर्मेट लेट से बनाया, कॉपी पेस्ट अभी किया हमने 5 वैल्यूज के लिए। एंड देन उसके बाद हम डिस्प्ले करा रहे हैं। पहली लाइन में हम क्या करेंगे कि फॉर्मेट डिस्प्ले कर देते हैं कि किस फॉर्मेट में हमारा डिस्प्ले हो रहा है। तो फॉर्मेट ये हमारा ये है नेम, देन उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद फिर मार्क्स इन फर्स्ट सब्जेक्ट। तो इस तरह से कर देते हैं M1 देन स्लैश टी M2 देन स्लैश टी M3 देन स्लैश टी M4 स्लैश टी M5, और उसके बाद फिर हम डिस्प्ले कर देते हैं इसका टोटल। तो टोटल के लिए TOTAL, एंड देन उसके बाद फिर परसेंटेज इसका।
बाकी का जो पार्ट है हम इसको डिलीट कर देते हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है, और जैसे ही हम इसको डिस्प्ले करेंगे फॉर्मेट, उसके बाद हमें न्यू लाइन में आना होगा। थोड़ा सा और ब्यूटीफाई अगर हम करना चाहें तो यहाँ पे हम एक लाइन खींच देते हैं इनके नीचे, देन इसके बाद हम डिस्प्ले कराते हैं। तो डिस्प्ले कराने के लिए स्कैन एफ नहीं बल्कि प्रिंट एफ का यूज़ होगा, तो स्कैन एफ स्टेटमेंट को प्रिंट एफ में चेंज कीजिए, और जो हमें प्रिंट कराना है वो स्लैश टी करके प्रिंट कराइएगा। और इसके बाद फिर जब एक स्टूडेंट का डेटा प्रिंट हो जाएगा तो हम न्यू लाइन में आ जाएंगे। जितने भी एम्परसेंट का हमने यूज़ किया था उन सारे एम्परसेंट को हम हटा देते हैं। तो हमने ये सारी फॉर्मेटिंग कर ली है, अब इसके बाद केवल इनपुट और आउटपुट हमें लेना है और डिस्प्ले करना है। चेक कर लेते हैं हम अपनी सारी एंट्रीज और सारे जो भी हमने कोड लिखा है, क्या उसमें कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है। रन करके देखते हैं, हो सकता है कि हमें कुछ एरर्स पता चले। यस, इस लाइन में एरर है क्योंकि हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया, और एक और गलती हमारी तरफ से कि हमने स्लैश एन नहीं लगाया। रन करके देखते हैं इसको। अनडिफाइंड रेफरेंस टू प्रिंट एफ, किसी फंक्शन का नाम गलत हो गया, कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने सबसे पहले पहले सारे बेसिक डिटेल्स को प्रिंट कर दिया। बेसिक डिटेल को प्रिंट करने के बाद हमें इनके टोटल मार्क्स पे प्रिंट करने होंगे। तो टोटल मार्क्स करने के लिए टोटल मार्क्स हमारा इंटीजर होगा, और जो इंटीजर हमारे मार्क्स होंगे वो होंगे m1 + m2 + m3 + m4 एंड + m5। और इसके बाद हमें डिस्प्ले करना होगा इसका परसेंटेज। सो परसेंटेज 5 सब्जेक्ट्स का, हम अगर ये मान लें कि हमारे जो नंबर हैं वो 100 में से हैं, तो हम केवल सम में से अगर डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। या तो आप इसको एक पैरेबल में स्टोर करके कर लीजिए, ऑप्टिमाइज तरीका तो वही है, लेकिन चूंकि हमने नहीं किया है तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसी को कॉपी कीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए और इसको डिवाइड बाई 5 कर दीजिए, इतना ही परसेंटेज होगा। फाइन, परसेंटेज का सिंबल अगर आपको प्रिंट करना है तो आप ऐसे कर दीजिए। डेटा वैल्यू प्रिंट करने के बाद आप स्लैश टी करेंगे, और लास्ट डेटा वैल्यू को प्रिंट करने के बाद लास्ट डेटा वैल्यू को आपको प्रिंट अगर करना है तो उसके बाद आपको स्लैश एन लगाना पड़ेगा। फाइन, जो यहाँ पे हमने स्लैश एन लगाया इसको हटा देते हैं, इसको स्लैश टी कर देते हैं क्योंकि कंटिन्यूएशन में ही हमारा डेटा है। एक बहुत ही बेसिक सी एरर है, आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से, कि हम रेफर करेंगे si.m1 को, si.m2 को, si.m4 को, और si.m4 एंड si.m5, हमें ऐसे रेफर करना होगा। और इसी तरह से जो नेक्स्ट लाइन है उस नेक्स्ट लाइन में भी इसी तरह से हम रेफर करेंगे, डायरेक्टली m1 m2 m3 m4 को हम नहीं ले सकते। इसे हमें ये चूंकि स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हैं इसलिए जो इनकी एंट्री होगी वो स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट या स्ट्रक्चर के वेरिएबल के थ्रू ही एंट्री हमारी होनी चाहिए। दिस डिवाइड बाई 5 ये हमें प्रिंट करना है। फाइन, तो हम एंट्री कराते हैं। तो मान लेते हैं कि नेम है ABC, रोल नंबर 98201। कोई रैंडम डेटा ले लेते हैं, 56 67 89 78 90, ये एक स्टूडेंट का डेटा हो गया। फिर BCD नाम है दूसरे स्टूडेंट का, रोल नंबर इसका ले लेते हैं 98202, इसका 89 90 78 67 और 65। तीसरा स्टूडेंट लेट से हम मान लेते हैं कि CDE है और इसका रोल नंबर है 9820 3, इसका नंबर ले लेते हैं 90 98
97, 65 और 45। नेक्स्ट स्टूडेंट लेते हैं DEF और इसका रोल नंबर 98204, इसके नंबर ले लेते हैं 67, 78, 89, 90 और 91। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट का डेटा है, लेट्स से इसका नाम है EFG, रोल नंबर इसका 98205, इसका नंबर 87, 76, 65, 98 और 87। आप देख सकते हैं ये प्रिंटिंग हो रही है। हाँ, टोटल में थोड़ी सी गड़बड़ी हमारी हो रही है, टोटल में जो प्रिंटिंग है उसमें थोड़ी सी एरर है, क्योंकि हमने 1% एक्स्ट्रा ले लिया था, शायद इसीलिए ये गड़बड़ कर रहा है। तो अब आप एक काम कर सकते हैं कि वहाँ से परसेंटेज को हटा दीजिए एंड फाइनली ये वैल्यू उसको सही प्रिंट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो रिजल्ट को डिस्प्ले किया है वो इस फॉर्मेट में किया है, नेम, रोल नंबर, मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स एंड टोटल एंड परसेंटेज, परसेंटेज मार्क्स। एंड देन इसके बाद फिर ये आप देख सकते हैं ये जो वैल्यूज हैं यही हमारा परसेंटेज को प्रिंट कर रहा है। तो सिंपली जो डिस्प्ले वाला स्टेटमेंट आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, फाइनली ये सही वैल्यूज आएंगी। तो हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे हमारी गड़बड़ी हुई है। तो स्लैश टी परसेंटेज मार्क्स, यहाँ पे आप परसेंटाइल को हटा दीजिएगा, यहाँ पे पूरा लिख दीजिएगा परसेंटेज। तो मेरे ख्याल से अभी सही चीज डिस्प्ले करना चाहिए। तो आई होप आपके समझ में आया होगा कि किस तरह से आप रिजल्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और यूटिलाइज करेंगे, जिससे कि हम फाइंड आउट कर पाएं स्ट्रक्चर से रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।